सबको गुड इवनिंग। आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईओ 17 जैकरीफ और सीईओ 41 आरआर शामिल है। मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी की जो इंटेलिजेंस है, उनने एक खबर डेवलप की थी जिसके बेस पे ये पता चला कि करालपुरा के एरिया में एचएम का एक मॉड्यूल जो है वो एक्टिव है और वो वहाँ पे टेररिस्ट को लॉजिस्टिकल सपोर्ट और दूसरा जो इसके अलावा आर्म्स एम्यूशन या जो दूसरे उनके बंदोबस्त हैं वो कर रहा है। उसी सिलसिले में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया वहाँ पे और तीन लोगों को पहले जिनमें एक का नाम अब्दुर्रऊफ मलिक है, दूसरे का नाम जो है वो रियाज अहमद है और तीसरे का नाम है अल्ताफ। ये तीनों लोगों को अरेस्ट किया, इनके तीनों के एक शॉप और डिस्पोजल पे दो हाइड आउट्स जो हैं वहाँ पे बस्ट की गई। उन हाइड आउट्स से एक AK-47, दो मैगजीन्स, 119 AK के राउंड्स, एक पिस्टल, पिस्टल के चार राउंड्स और पिस्टल का एक मैगजीन, इसके अलावा एक आईडी और दो जो हैं डेटोनेटर्स हैं, आईडी लगाने के लिए दो तार के बंडल हैं और एक टैंकी भी जो गोया लगती है कि वो पानी को स्टोर करने के लिए वहाँ पर बनाई गई थी या असला एम्यूशन को स्टोर करने के लिए बनाई गई थी वो भी थी। अभी इब्तदाई तफ्तीश में ये भी पता चला है कि इस ग्रुप को के साथ दो और लोग भी शामिल थे जिनमें एक का नाम अब्दुल मजीद है जो कि बड़गाम का रहने वाला है, उसे भी हिरासत में लिया गया है और एक सोपोर का लड़का है जो कि बांडीपुर में रहता है, उसका सोपोर और बांडीपुर दोनों इलाकों में रहता है और उसको भी अभी क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है। और इसके बाद इसी तफ्तीश में एक ये भी पता चला कि जून के महीने में इस ग्रुप को 6 लाख रुपया जो है वो पाकिस्तान के एक फारूक नाम के हैंडलर हैं जिसका पूर्ण नाम नदीम उस्मानी है और वो यहाँ कुपाड़ा ककरूसा का रहने वाला है, वो इनको हैंडल कर रहा था और उसने प्रोवाइड करवाए थे 6 लाख रुपया जो कि हाइड आउट्स और बाकी आर्म्स एम्यूनिशन को खरीद या जो हाइड आउट के लिए जो सामान था उसको खरीदने के लिए दिए गए थे। कुछ जो पैसा है वो नकली सिम्स लेने के लिए या मोबाइल्स लेने के लिए इस्तेमाल किया गया और बाकी कुछ पैसा जो है वो हाइड आउट के लिए कुछ चीज़ें जो खरीदी गई हैं और अलावा अजीम 64,000 रुपया जो है वो उसमें से बरामद भी हुआ है जो कि वही इनके इंकशाफ पे हुआ है। तफ्तीश अभी इब्तदाई मरहले में है लेकिन ये बड़े स्टर्डलिंग रेवोल्यूशन इसमें आए हैं कि ये एचएम का एक ऐसा मॉड्यूल था कि जो यहाँ से लेके और श्रीनगर तक एक्टिव था और एक बार इनकी कोई ट्रांसशिपमेंट जो है वो आर्म्स और एम्यूनिशन की यहाँ से श्रीनगर के लिए भी एक्टिव टेररिस्ट के लिए हुई है। बहरहाल उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश है क्योंकि अभी तफ्तीश जो है वो शुरुआत ही लम्हे में है और जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपको तफ्तीश के अगले मरहले में। कोई बड़ा मनसूबा था कि बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की ताक में थी? देखिए इनको चूँकि यहाँ के ही लोग जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं, एक जिसका नाम फारूक अहमद पीर जिसका पूर्ण नाम नदीम उस्मानी भी है, वो ककरूसा का रहने वाला है और एक फयाज़ गिलानी करके बड़गाम का शख्स है जो भी टेररिस्ट हैंडलर है और वो भी पाकिस्तान में है, ये दोनों इनको हैंडल कर रहे थे। और जिस तरीके से मैंने बताया पहले भी कि एक बड़गाम का शख्स भी इस में मुलव्वस है और कहीं ना कहीं चूँकि इलाका LOC के पास है, एक तो इन्फिल्ट्रेशन को हो सकता है फैसिलिटेट करने के लिए ये ग्रुप एक्टिव हुआ हो और बाकी आर्म्स और एम्यूनिशन को स्मगल करने के लिए और टारगेट्स जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कहाँ पे, क्योंकि जैसे आईडी मिली है उससे ये भी साफ जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं उसकी ताक में भी थे कि जहाँ पे ये आईडी प्लेस करके और सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान कर सकते हैं। सर कुनन पोशपुरा का एक रशीद नाम का लड़का जो कि 4-5 दिन पहले किसी वजूहत पे, मतलब उसको टेररिज्म रिलेटेड किसी पूछताछ के लिए उठाया गया था और उसके दौरान उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे ये मालूम हुआ है कि उसने कुछ इंकशाफ किया कि वो किसी जगह उस पे कोई हाइड आउट है और उसको वहाँ के लिए जब फौज ने लिया वहाँ पे वो स्लिप आउट हुआ है। बहरहाल हम उसकी जो है तलाश जारी रखे हुए हैं और पहले दिन से कुछ आज तक एक दो क्लूज जो मिले हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि किन सर्कमस्टांसिस में लड़का जो है वो स्लिप दे के वहाँ से निकला है वो उन पर भी काम किया जा रहा है। लोगों का भी क्योंकि उसके घर वालों से भी बात हुई है और उन पर भी पूरी यकीन दिहानी आपके ज़रिए भी आज दिलाते हैं कि किसी भी हद तक हमें अगर जाना पड़े तो हम ये ज़रूर पता लगाएंगे कि लड़का
किन सरकमस्टेंसेस में भागा है और उनके जो अगर कोई और खदशात हैं वो भी 33 में अपना जिस तरीके का भी वो